The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Welcome back to another episode of Dr. Education. Today we are going to talk about endometriosis and what exactly is endometriosis, how you can be affected by endometriosis. If you are affected, agar aapko hai endometriosis, to bhi aapko karna kya hai. So, bhai baat cheet karte hain. Females ke liye bahut zaruri video hai, males ke liye important hai, dekhte rahiye, follow karte rahiye. To shuru karne se pehle bahut zaruri hai ki aap video ko like kare. Ab tak agar aapne hamare channel ko subscribe nahi kiya hai to subscribe kare. Aur as I said, bahut zaruri aspect. Theek hai? Thank you. Endometriosis is basically, what is it? Endometriosis is a बहुत painful सा disorder है, जो काफी बार pain ज़्यादा होता है, काफी बार कम होता है, जिसमें basically body के अंदर एक normal lining होती है आपकी uterus की, आपके गर्भाशय की. Uterus की जो अंदर की lining है उसको कहते हैं endometrium. ये अगर uterus के यानी गर्भाशय के बाहर कहीं grow होने लग जाए, कहीं और, कभी कभी uterus के अंदर से uterus के बाहर आ जाए, ओवरीज के ऊपर आ जाए, ओवरीज और यूट्रस की लाइन में आ जाए, या फिर एब्डोमिनल कैविटी में आ जाए, तो ऐसी सारी जगहों पे हम उसे एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं. ठीक है, पेल्विक ऑर्गन्स के बाहर भी ये जा सकती है कभी कभार, वो रेयर होता है लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल. सो ये है एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है, जो आपके बॉडी के टिश्यू है, एंडोमेट्रियल टिश्यू है, वो एंडोमेट्रियल जैसे एक्ट करेंगे. मतलब कि हर महीने आपके मेंसिस के साथ जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो थिक होते जाता है और फिर उसके बाद में ब्रेकडाउन होके ब्लीड होता है. अब यूट्रस के अंदर ये चीज़ हो रही है, जब ब्रेकडाउन होके ब्लीड हो रही है तो आपको मेंसिस आ रहे हैं, नीचे से मेंसिस निकल जा रहे हैं. लेकिन अगर सोचिए यही चीज़ यूट्रस के ऊपर होती है, पेट के अंदर होती है, ओवरीज के ऊपर होती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इस चीज का, ये ब्लीडिंग का, ये टिश्यू का बॉडी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. सो हर महीने थोड़ा थोड़ा एंडोमेट्रियोसिस जमा होता जाएगा. ओवरीज के ऊपर होगा तो कई बार वहां पे एक जमा होकर बड़ा सा गोला सिस्ट बन सकता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोमा. ठीक है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बंद करके रखने चाहती है, क्योंकि भाई ये फैल ना जाए, ये इन्फेक्शन ना कर दे, तो एंडोमेट्रियोमा बनने लग जाता है. ठीक है, तो सिस्ट बनने लग जाता है, या फिर अगर वो खुला पड़ा है मान लो पेट में, तो कहीं भी होगा तो सराउंडिंग का जो आसपास का टिश्यू है वो इन्फ्लेम होगा, वो इरिटेट होगा, इन्फ्लेम होगा, वहाँ स्कार बनेंगे, वहाँ एडेशंस बनेंगे, वहाँ जोड़ जाड़ होगी और एबनॉर्मल बैंडिंग आएगी, टेंशंस एक दूसरे से ऑर्गन चिपकने लगेंगे, ऐसी चीज़ें होगी. सो एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियोमा ये अच्छी चीज़ नहीं है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. इससे फिर पेन हो सकता है और कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, सिवियर पेन हो सकता है, और ज़्यादातर ऐसा पेन जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम होगा, यानी मेंसेस के टाइम ही होगा, राइट. और कई बार इसमें फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये समझिए आप. पहले सिम्टम समझते हैं. तो अगर आपको देखो, देयर आर प्राइमरी सिम्टम तो है उसका पेल्विक पेन, यानी लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है और ये मेंसेस के टाइम पे हो रहा है, राइट. और ये क्रैम्पिंग मेंस्ट्रुअल में भी हो सकती है, मेंसेस में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होती है, राइट. टिपिकली मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है एंडोमेट्रियोसिस से कम होता है, एंडोमेट्रियोसिस का बहुत वर्स पेन होता है. सो अगर आपको डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पेल्विक क्रैम्पिंग होती है जो बिल्कुल पीरियड्स के टाइम के पहले और एक आध हफ्ते तक एक्सटेंड हो जाती है, तो आपको चेक करवाना चाहिए. इस केस में फिर लोअर एब्डोमिन या लोअर बैक पेन भी हो सकता है. पेनफुल इंटरकोर्स हो रहा है अगर मान लीजिए सेक्स के दौरान, तो भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. यूरिनेशन या बाउल मूवमेंट मोशन पास करने में पेन हो रहा है, देन ऑल्सो वी हैव अ चांस. एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग रहता है, डायरिया रह रहा है, थकावट रह रही है, स्पेशली मेंसिस के दौरान, मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए देखना चाहिए. लाइक आई सेड, सीवियरिटी ऑफ पेन विल वेरी.
तो किसी को बहुत ज्यादा पेन होगा, किसी को कम पेन होगा। और कई बार एंडोमेट्रियोसिस इज मिस्टेकन फॉर अदर कंडीशंस जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ओवेरियन सिस्ट या फिर आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, राइट। सो हमें सबसे पहले डायग्नोसिस कंफर्म करना जरूरी है, इसलिए डॉक्टर का काम है कि आपका डायग्नोसिस के लिए एग्जामिनेशन अच्छे से करें। फिर बात पहले थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। देखिए एग्जैक्टली एक कारण बताना मुश्किल है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं जो पॉसिबल हैं। एक कारण ये होता है कई बार कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो जाए, मतलब कि जो गर्भाशय का ब्लड बाहर आता है एंडोमेट्रियम, कई बार अगर वो बाहर आने की जगह ऊपर से चले जाए यानी फेलोपियन ट्यूब में चले जाए, तो फेलोपियन ट्यूब से वो बाहर निकल जाता है। सो वहां पर फिर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन पेल्विक ऑर्गन्स में, ओवरीज में यहाँ जमा हो सकता है। कभी कभी पेरिटोनियल सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसको इंडक्शन थ्योरी बोलते हैं वहां पर, या एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर कभी ऑपरेशन हुआ, अब यहाँ ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि जो बच्चों है नहीं वो एंडोमेट्रियल सेल बन जाते हैं बचपन से, स्लोली धीरे धीरे डेवलप होके। सर्जरी हुई मान लो कोई किसी प्रकार की, मान लो आपका यूट्रस निकाला गया या फिर ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, राइट, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, जो सर्जिकल इंसीजन मारा है, यूट्रस खोला है, यूट्रस के ऊपर एंडोमेट्रियल सेल्स अटैच हो जाते हैं उस स्कार टिश्यू पे, और वो स्कार टिश्यू में साथ में थोड़े थोड़े ऊपर आ जाते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है, सर्जिकल स्कार, इसको सर्जिकल स्कार इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यही ऐसी एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स जैसे कि इम्यून ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एंडोमेट्रियल को, एंडोमेट्रियम के जैसे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर रही है बॉडी ऑटो इम्यून डिजीज होके। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो आपको ये देखना है कि आपको इसका रिस्क है कि नहीं है, तो उसके लिए कई चीजें हैं। जैसे अगर आपकी कभी बच्चे नहीं हुए हैं तो रिस्क है, अगर आप पीरियड्स आपको जल्दी हो रहे हैं तो रिस्क है, अगर आप मीनोपॉज के थ्रू जा रहे हैं तो रिस्क हो जाता है। मेंसेस बहुत छोटे आते हैं, मान लीजिए हर मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटा है, 27 27 दिन में हर बार ब्लीडिंग हो रही है। मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल आते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे आते हैं, 7 दिन से ज़्यादा, तो फिर आपको रिस्क है, राइट। ईस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई है तो फिर रिस्क है, या ईस्ट्रोजन का कोई एक्सपोजर हो रहा है तो रिस्क है। बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही पतले हो, बहुत ही ज़्यादा हल्के हो तो रिस्क है, और या फिर किसी को फैमिली में एंडोमेट्रियोसिस है तो रिस्क है। या मान लो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है यानी यूट्रस और जो अंडे हैं और जो फेलोपियन, उसमें कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ही एबनॉर्मल है बचपन से, तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर कॉम्प्लिकेशन में कई बार बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, प्रेगनेंसी तो हो सकती है आपका है विथ हेल्प, सो उसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी होगी। और साथ में इसमें रिस्क में कैंसर भी आता है, जी हाँ, कैंसर का रिस्क भी होता है इसमें, तो हमें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके से सही टाइम पे डायग्नोसिस करें। डायग्नोसिस में तीन चार चीज़ें करनी होती हैं, एक तो पेशेंट का पेल्विक एग्जाम जरूरी है, उसके बाद में एक अल्ट्रासाउंड जरूरी है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एमआरआई या लेप्रोस्कोपी भी की जा सकती है। एमआरआई या एमआरआई में आपके मैग्नेटिक फील्ड से ऑर्गन्स देखे जाते हैं, और उससे प्लान किया जा सकता है कि भाई और कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं, ताकि हम एंडोमेट्रियल इम्प्लांट ढूंढ सकें। और लैप्रोस्कोपी मतलब लिटरली पेट में हम एंडोस्कोप डाल के देख सकते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो वहाँ से ब्लीडिंग कर रही है। पहले दो टेस्ट जो हमने कहा था पेल्विक एग्जाम और अल्ट्रासाउंड, तो बहुत सिंपल है, हर जगह होते हैं। ट्रीटमेंट, सो ट्रीटमेंट यूजुअली मेडिकेशन और सर्जरी दोनों तरीके से होता है। मेडिकेशन और सर्जरी का उद्देश्य है कि आपके साइन और सिम्टम्स, आपके दर्द, आपकी दिक्कत कम मैनेज हो जाए, तो कंजर्वेटिव अप्रोच सबसे पहले ट्राई की जाती है, अगर वो काम ना करे तो ऑपरेशन किया जाता है। कंजर्वेटिव अप्रोच में दो तीन प्रकार के मेडिकेशन है। नंबर वन है पेन मेडिकेशन। पेन मेडिकेशन में आपको जब दर्द होता है तब नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एनसेड, ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, पैरासिटामोल दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, मेफ्टल, मेफेनमिक एसिड दे सकते हैं पेन के लिए।
हार्मोनल थेरेपी, दूसरे टाइप के हार्मोन्स, हार्मोन्स में काफी इफेक्टिव थेरेपी है हार्मोन, जो कि आपके पेन को, आपके सिम्टम्स को लिटरली खत्म कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, एलिमिनेट कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉज ही उसका हार्मोनल, हार्मोन्स के वजह से एंडोमेट्रियल ग्रोथ होता है। सो हार्मोन्स कैसे करेंगे एंडोमेट्रियल टिश्यू का ग्रोथ और उसको और ज्यादा फैलने से रोकेंगे? इसमें क्या क्या आते हैं? नंबर वन है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स, पैचेस, वजाइनल रिंग्स, ये सब आती हैं, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिड्यूस कर देंगे आपका पेन और कई बार एलिमिनेट कर देंगी। फिर उसके बाद जीएनआरएच, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट यूज होते हैं। ये ओवेरियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होने से ही रोकते हैं, तो इससे ईस्ट्रोजन लेवल कम करते हैं, इससे मेंसेज ही कम कर देते हैं। सो मेंसेज ही नहीं होती, दिक्कत ही नहीं होती, ऐसी चीजें भी होती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो ये भी एक ऑप्शन है। प्रोजेस्टिन थेरेपी, मतलब प्रोजेस्टिरोन, जिसमें आईयूडीज आता है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल आता है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए है, राइट। इससे भी एंडोमेट्रियल साइंस और सिम्टम्स कम होते हैं। और अल्टीमेट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है एरोमेटेज इनहिबिटर्स। एरोमेटेज इनहिबिटर मतलब ऐसी दवाइयां हैं जो ईस्ट्रोजन को कम करती हैं आपकी बॉडी में। यहाँ पर एरोमेटेज इनहिबिटर आपका प्रोजेस्टेरोन के साथ दिया जा सकता है टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस, राइट। एरोमेटेज मतलब टेस्टोस्टेरोन भी एंडोमेट्री भी ईस्ट्रोजन बनता है, और फीमेल बॉडी में भी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये सारा ऑप्शन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास सर्जरी। सर्जरी में भी दो ऑप्शन है, कंजर्वेटिव सर्जरी, फर्टिलिटी सर्जरी, और लास्ट पूरा का पूरा यूट्रस ही निकाल लो, हिस्टरेक्टॉमी, राइट। सो कंजर्वेटिव सर्जरी का मतलब है कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपका सर्जरी किया जाएगी सिर्फ जो एंडोमेट्रियोसिस के इम्प्लांट हुए हैं इधर उधर उसको निकाल देने के लिए, उससे आपका सर्जरी से बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस वापस आ सकता है, ये बात याद रखें। सो ये सर्जरी आपकी लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, और कुछ केस में रेयरली पूरा एब्डोमेन ओपन करके भी कर सकते हैं। फर्टिलिटी सर्जरी का मतलब है कि मान लीजिए आपका कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो फर्टिलिटी सर्जरी क्या करती है, आपके एग्स को स्टिमुलेट करती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो करवा सकते हैं। वो एक अलग एस्पेक्ट हुआ, वो इसका ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन आपका प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट हिस्टरेक्टॉमी या ओवरीज को निकाला जा सकता है। एक बार आपका देखो, अगर हमें ज्यादा दिक्कत हो रही है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, बच्चे हैं और बच्चे नहीं चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट यही होता है कि ओवरीज और इसको ही निकाल लें, ओवरीज और यूट्रस को निकाल देते हैं, तो अल्टीमेटली मीनोपॉज हो जाता है, मेनिसेस आने ही बंद हो जाते हैं, तो वो जो दिक्कत है, पेन है, वो सब आने खत्म हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज देयर। अर्ली मेनोपॉज से थोड़ा सा आपका दूसरे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि थोड़े बहुत हार्ट के रिस्क, थोड़े मेटाबॉलिक कंडीशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, वो डिस्कस आपको करने पड़ेंगे। यूट्रस को निकाल देना इस बड़ी बात नहीं है, ओवरीज को निकाल देना मेनोपॉज कर देता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या है नहीं। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें और अपने केस के बारे में डिस्कस करें कि आपके केस में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर परमजीत साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।